गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स सो लेट इस कॉन्टीन्यू विद दिस चैप्टर तो कल हमने समझा था द फर्स्ट अटैम्प्ट फॉर द क्लासीफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स डॉबर्नियर ट्रेड्स आज हम करते हैं द नेक्स्ट अटैम्प्ट दैट इज़ न्यू लॉ ऑफ ऑक्टिव सो देर वॉज अ साइंटिस्ट न्यू लैंड जिन्होंने आगे डिस्कवरी की थी हाउ टू क्लासीफाई डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हम पैटर्न यूज़ कर सकते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स सो डॉबर्यर जो थे साइंटिस्ट उन्होंने बाकी साइंटिस्ट को भी इनक्रेज कर दिया था टू अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटोमिक मासेस। कि जो हम एलिमेंट्स कहें हम उनको अरेंज कर सकते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ़ देर एटोमिक मासिस तो वाकियों ने भी ऐसे अरेंज करना स्टार्ट कर दिया ठीक है तो ये जो साइंटिस्ट थे न्यूलैंड ही अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स तब जितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे उन्होंने उनको उन्हों अरेंज कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासिस ठीक है सो तब तक बच्चे फिफ्टी सिक्स एलिमेंट्स डिस्कवर थे द लोएस्ट वन वॉज हाइड्रोजन एंड ही एंडेड अप एट थोरियम थोरियम वॉज अ फिफ्टी सिक्स एलिमेंट तो जब उन्होंने अरेंज किया वॉट ही फाउंड दैट Every eighth element had properties similar to the first. So when he arranged, he found ki jo eighth element, tha, it was having similar properties to the first element. So he compared them to the octaves. Octave in music mein hum use karte sa ga, ma pa dha ni and then we again get sa. So it gets repeated one. टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट सो यू कैन सी जैसे सारे का मोपाधानी सा में सा रिपीट हो रहा है रिलेशन इज़ वन एंड एट तो ऐसे ही जब न्यूलैंड ने अरेंज किए थे सारे एलिमेंट्स इट वॉज गेटिंग द सेम रिलेशन एवरी एट एलिमेंट वॉज सेम टू द फर्स्ट एलिमेंट सो ही को रिलेटेड दोनों को रिलेट किया इसलिए इसके लॉ को क्या कहते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ

आफ्टर लिथियम सिमिलरली बेरीम बेरीलीम के बाद आता था आफ्टर एट एलिमेंट्स मैग्नीशियम सो देअर प्रॉपर्टीज वर ऑल्सो क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर ठीक है सो ही यूज़ दिस मैथड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स सो यू कैन सी दिस इज ही अरेंज द टेबल लाइक दिस ऐसा पीटिक टेबल उन्होंने अरेंज किया था वी वी आर गेटिंग दिस थिंग लिथियम सोडियम पोटाशियम दे वैव इंग क्वाइट सिमिलर प्रॉपर्टी तो वो सारे एक ही ग्रुप में आ गए सो बेसिकली इसमें क्या था कि ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटोमिक मासेस एंड उन्होंने क्या फाइन किया था जब हम ऐसे अरेंज करते हैं एवरी एट्थ एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट सो ही गॉट अ टेबल लाइक दिस ठीक है सो दीज आर द थिंग्स विच ई फाउंड इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ टेज वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम तो जब उन्होंने अरेंज किया है इसे तो जो ये कंपेयर कर रहे हैं कि एर्थ एलिमेंट सिमिलर है फर्स्ट एलिमेंट से ये सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था ठीक है उसके आगे ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा था एज़ आफ्टर कैल्शियम एवरी एर्ट्थ एलिमेंट डू नॉट पोजेस इज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट सो दिस दिस वॉज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ दिस न्यूलैंड लॉ ऑफ़ डेज कि इट वॉज एप्लीकेबल अप अपू कैल्शियम ओनली फर्दर ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं पॉसिबल हुई नेक्स्ट

नहीं हो रहे थे ठीक है सो दिस वॉज अ लिमिटेशन ऑफ न्यूल लॉ ऑफ ऑक्टेस नेक्स्ट इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इन टू हिस्स टेबल ही एडजस्टेड टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट सो ये सारे उसकी क्या है लिमिटेशंस ठीक है अब इसमें देखिए यू कैन सी टू टू एलिमेंट्स तो फिफ्टी सिक्स एलिमेंट्स को अरेंज करना था उसने तो उन्होंने क्या किया एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट्स रख दिए ठीक है सो दैट दैट वाज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ दिस न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टेज जैसे कुपार्ट एंड निकल दे आर इन द सेम स्लॉट ऐसे ही आप देख सकते हो दिस वन ठीक है सो ही प्लेसड ऑल ऑफ देम देन यू कैन सी वी हैव फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन ठीक है दे आर प्लेस कहाँ प्लेस किए गए सी है इन द फर्स्ट एच ए हाइड्रोजन फ्लोरिन क्लोरीन और कुबाल्टन निकल प्लेस कर दिए गए ठीक है कुबाल्टन निकल की तो प्रॉपर्टीज़ दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस फ्लोरिन क्लोरीन एंड ब्रोमीन सो इट इट इज अ लिमिटेशन ठीक है देन वी हैव आयरन आयरन एजाम्बल कोबाल्ट एंड निकल आयरन कहाँ पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है और कोबाल्ट एंड निकल यहाँ पे पड़े हैं इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हैं, बट दे आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर सो दीज वर ऑल लिमिटेशंस ऑफ न्यूल लॉ ऑफ ऑक्टेज इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम मीन्स लाइटर एलिमेंट्स आफ्टर दैट इट वॉज नॉट एप्लीकेबल ओके